गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अभी अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फिफ्थ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रीवियस लेक्चर में अपने समांतर श्रेणी काफी क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें समांतर श्रेणी के एन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, टी एन या ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी से, यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो एक्सरसाइज 5.3 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट ये है आपके नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एपी जो गिवन है उप एपी की एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, सबको एड करना है। जैसे एक एपी है 1 + 5 + 9 + 13, इस तरह से डिफरेंट कितने का है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन होता है, फर्स्ट टर्म ए गिवन होती है। अब सबको ए ऐड कर ले, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये किसका डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है, तो इनको ऐड कर ले तो 10 टर्म तक या 15 टर्म तक का इनका सम क्या होगा, सम इसका एडिशन क्या होगा, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था वो अपन देखते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एनी एपी एस एन, एस का मतलब क्या था, सम करना, कितने टर्म्स का, एन टर्म का, सम ऑफ द एन टर्म्स, इट इज रिप्रेजेंट बाई एस कैपिटल एस, उसके नीचे क्या लगा है, एन, सम ऑफ द एन टर्म्स, फॉर्मूला है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। वो जो फॉर्मूला था a + n - 1 × d था, उसके आगे क्या 2 तो मल्टीप्लाई, पर बड़े ब्रैकेट के आगे क्या है, n/2। देन वी कैन से दैट सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी इज इक्वल टू n/sn = n/2 2a + n - 1 × d, वेयर sn इज द सम ऑफ द n टर्म्स, n इज इक्वल टू फर्स्ट एन टर्म, कितने टर्म्स का आपको फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू मान लो 5 टर्म तक का सम करना है, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 × a की जगह क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन वो ही टर्म्स है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, कितने टर्म्स का करना है, n/2 2a + n - 1 × d। इसके बाद में यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है आपको, कॉमन डिफरेंस डी वगैरह नहीं गिवन है, और यदि किसी एपी में एपी आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, लास्ट टर्म एल गिवन है, एल का मतलब लास्ट टर्म गिवन है, तो उसकी एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2 (a+l), दैट इज द SN = n/2 (a+l). एन इज इक्वल नंबर ऑफ द टर्म्स और ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल ऑफ द एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो ये सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, आपको इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। यदि लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 a + l लगाएंगे, और यदि कॉमन डिफरेंस d गिवन है तो n/2 2a + n - 1 × d। इस तरह से दो फॉर्मूलों के द्वारा अपन समांतर श्रेणी के एपी के क्या कर सकते हैं, n टर्म्स तक का सम फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज जो 5.3 है उसमें इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, अपन देखो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट गिवन है 1, 3, 5, 7 up to 12 टर्म का सम फाइंड, फाइंड द सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, इस एपी के 12 टर्म्स तक का फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर कॉमन फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, 5 - 3 वो भी क्या था, 2, ओके। अब ये कहां तक करना है, 12 टर्म्स तक, तो एन की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, 12, एन की वैल्यू क्या जाएगी, 12, 12 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू 12 होगी। अब आपके लिए लास्ट टर्म तो क्यों नहीं ना, तो पहला फॉर्मूला लगाए, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी दैट इज n/2 2a + n - 1 × d। ही अपन फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ द एन टर्म SN = n/2 2a + n - 1 × d। अब आप वैल्यू पुट कर लो, SN = कितने टर्म्स तक का, 12 टर्म, तो एस सम ऑफ द 12 टर्म्स, 12 टर्म तक सम, n की जगह 12, तो 12/2 2 × a, तो 2 × a की जगह क्या, 1 प्लस n की जगह 12 - 1, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया आपका, 2, तो सम ऑफ द 12 टर्म इज इक्वल टू 12/2 तो क्या हो गया, 6, 2 × 1 क्या हो गया, 2, 12 - 1 = 11, 11 × 2 कितना हो गया, 22, तो ये आपके हो जाएगा s = 6 × 22 + 2, तो 24, और इसको 6 से 6 × 4 गया 24, 2 गए, 6 × 2 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, तो 144। इसका मतलब इस तरह की जो एपी है इसके जो 12 टर्म्स है उन तक का सबको ऐड कर लेंगे, आप सबको सम कर लोगे तो उसकी वैल्यू जो आपको क्या मिलेगी, 144।
बहुत इजी क्वेश्चन, कोई नहीं, सिर्फ आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्या क्या गिवन है उसको अपन डिनोट कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट इक्वेशन में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर आपने 144 निकाला। इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का 8 3 -2 up to 22 12, तो 8 3 इसका मतलब फर्स्ट टर्म 8 तो 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 -8, 3 में से 8 माइनस करोगे तो -5 जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और n की वैल्यू आपको 22 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 22, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद वो थर्ड फ्रैक्शन फॉर्म में देख रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11/12, तो अपर वापस कॉमन डिफरेंस 1/12 -1/15, तो नेगेटिव माइनस में या प्लस में जो भी आंसर आएगा वो कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। ए क्या है 1/15 और वैल्यू पुट करेंगे, और डी का मतलब जो एन की वैल्यू क्या रख देंगे 11, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी आंसर मिल जाएगा तो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से यही फॉर्मूला वापस कंटिन्यू करोगे आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में आपको क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इसका सम फाइंड करना है, और क्वेश्चन है 3 + 11 + 19 + ...803। ये जो सीरीज है आपका एपी गिवन है उसका यहां से लगाकर 803 तक आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या गिवन है, गिवन को डिनोट करो, गिवन फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ओके, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस 11 - 3 वो क्या होता है आपका 8, कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है, और कहां तक सम करना है 3 से पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और जो भी एनवी टर्म है वो लास्ट टर्म जो है वो आपको 803 गिवन है, तो लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 803 लास्ट टर्म गिवन है, ए डी और क्या गिवन है लास्ट टर्म, और अपन एन की वैल्यू जो है वो आपको n की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, n by 2 a plus n। अब यदि इसमें n, यदि ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है, a plus, लेकिन इसमें भी देखो आपको n की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म वो भी फॉर्मूला क्या से लगाएंगे, ये लगाएंगे sn इज इक्वल टू, बिकॉज सबसे पहले फॉर्मूला ये लगाएंगे sn इज इक्वल टू n by 2 a plus l वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इसमें भी n की वैल्यू गिवन नहीं है, n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालें, लास्ट टर्म जो भी गिवन है अपन जानते हैं, बिकॉज tn n टर्म्स ऑफ द ap a plus n minus 1 into d होता है, कि बीच किसी भी समांतर श्रेणी का n वा जो पद होता है a plus n minus 1 into d होता है, आपको tn n टर्म्स जो है लास्ट टर्म वो 803 दे रखी है, तो यहां पर आप रख दोगे 803, ठीक है, a कितना गिवन है 3, तो 3 रखो, n गिवन नहीं है तो n माइनस 1 ऐसे ही, कॉमन डिफरेंस d कितना है आपके पास 8, आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी 803 3 + 8n - क्या हो गया 8, और 3 - 8 कितना हो गया माइनस का 5, और माइनस 5 इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 808 प्लस 5 ऐड गया, ठीक है, और इतना इधर क्या आ जाएगा 8 ऑफ n, देखो ये 3 और माइनस 5, माइनस 5 इधर गया प्लस का 5, और 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, तो 808 अपॉन अब 808 इक्वल टू 8n, तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 808 अपॉन क्या हो जाएगा 8 1, इसके बाद में कितने टाइम्स कट गए ये 101 101 एन की टर्म की जो एन है कितने पद है इसमें कितने टर्म्स है 101 टर्म तो 101 टर्म ये हुए। अब आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला का SN = n by 2 a plus l, तो n SN SN n की जगह क्या 101 n की जगह कितने टर्म्स है 101 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए की जगह 3 और एल की जगह 808 3 + 803, तो एस ऑफ 101 टर्म इज 101 अपॉन 2 इंटू 380, तो ये कितना गया 806, ओके, तो एस ऑफ 101 इज इक्वल टू 101 इंटू इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या 4 0 और 3
403 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना आप, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो भी आंसर होगा आपका वही क्या होगा फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 403 को 101 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा वो इस गिवन सीरीज के एंड टर्म्स तक का क्या होगा सम हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस तरह से लास्ट टर्म यदि गिवन है एंड नहीं गिवन है तो सबसे पहले एंड फाइंड करेंगे, इस वजह से अपन क्या करेंगे एंड फाइंड कर लेंगे और फिर एस ऑफ एंड निकाल लेंगे, ठीक है ओके। इसके बाद में 7 और 10 1/2 + 14, तो इसमें अपन देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 3 1/2 3.5 या 3 1/2 के है। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म गिवन है तो पहले सबसे पहले एन फाइंड कर लेंगे, एन फाइंड करने के बाद में आप ये फॉर्मूला लगा देना। तो इस तरह से आप आंसर निकालो, ये फॉर्मूला है चाहो तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं अपन एपी के जो एन टर्म्स का सम होता है SN इजिकल टू फाइंड कर सकते हैं, SN इजिकल टू एन बाई टू 2a + n - 1 × d, और सेकेंड फॉर्मूला लास्ट टर्म गिवन है SN इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो इस तरह से अपन इसको क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके अंदर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो समांतर श्रेणी के n पदों का सम कैसे निकालते हैं, यदि आपको सम का है तो सम वाले फॉर्मूले लगाओ, और यदि आपको n टर्म्स फाइंड करनी है तो tn या an जो होता है a + n - 1 × d जो होता है वो फॉर्मूले लगा के अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल वाले टर्म्स में देखेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में दिया है तो अपन उसे अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखना है, फॉर्मूलों में क्या क्या गिवन है उसको डिनोट करना है और उसको फॉर्मूले में आपको रखना है, सिर्फ कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना है और आंसर इजी वे से मिल जाएगा, ठीक है ओके थैंक यू।